बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये आप देख रहे हैं दिस इज एक्वेटिक प्लांट यूटिकुलेरिया। ये पानी में पाया जाता है, उसमें तैरते रहता है और ये इंसेक्टिवरस प्लांट है। अभी तक तो आप जानते थे कि प्लांट को इंसेक्ट खाते हैं, मतलब इंसेक्ट हर्बीवोरस हैं, वो प्लांट को खाते हैं भोजन लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है यूटिकुलेरिया जो पानी की सतह पर होता है, पानी में तैरता है और यह इंसेक्ट को खाता है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। इसमें बिल्कुल बैग जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट वहाँ आएगा बैठेगा या इंसेक्ट का लार्वा पानी की सतह पे होगा, ये उसको ट्रैप कर देते हैं और अपने बैग में इसको डाइजेस्ट कर देते हैं और डाइजेस्ट करके उसका नाइट्रोजन कंपाउंड एमाइनो एसिड एब्जर्व करके फिर अपना ग्रोथ करते हैं। तो यूटिकुलेरिया हमारे बहुत ही महत्व का पौधा है। आप देखते हैं कि चारों तरफ जो है क्या है, मच्छरों का भरमार है, मच्छर से तमाम सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया, फाइलेरिया, फीमेल एनाफिलीज काट दिया, अगर प्लाज्मोडियम है तो मलेरिया हो गया, फीमेल क्यूलिक्स काट दिया, अगर उसमें फाइलेरिया वर्म है तो फाइलेरिया हो गया, ऐसे ही फीमेल एडीज काट दिया तो तमाम चिकनगुनिया और तमाम सारे डिजीज होने लगते हैं। तो मच्छरों से बचना ज़रूरी है। और मच्छर अंडे कहाँ देते हैं, पानी में देते हैं। तो पानी में अगल बगल तालाब है या इस तरह का वाटर बॉडीज है तो उसको सुखा तो हम सकते नहीं। तो अगर यूटिकुलेरिया ये पौधा उस पानी में रख दिया जाए तो सतह पे ही होता है और उनके अंडे को, उनके लार्वा को और मच्छर को ये ख़त्म करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। इस तरह से हम इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो पॉपुलेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह यूटिकुलेरिया बड़ा अद्भुत पौधा है, यह इंसेक्टिवरस प्लांट है लेकिन पानी में रहता है। तो पानी में ही इसको रखा जाएगा और वहाँ पे मच्छर आते हैं, उनके लार्वा होते हैं, उनको ये ख़त्म कर सकता है। और ये खासतौर से क्यों इंसेक्ट को खाते हैं, क्योंकि इनको नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उससे अपने नाइट्रोजन कंपाउंड की कमी को पूरा करते हैं। तो यूटिकुलेरिया इसके बारे में जाने या जीके में जनरल साइंस में भी पूछा जाता और आप इसे परिचित हो जाए, इसलिए मैंने इस स्पेसिमेन को बताया। थैंक यू वेरी मच।